और शेर गिर गया ऊपर से नीचे। उसने प्रश्न पूछा, वाय ये ऊपर क्यों गया, ये नीचे क्यों आया। इसलिए जिंदगी में हमेशा आप ख्याल रखे कितना लंबा रिश्ता हमारा रहेगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये दुनियादारी चलनी है, हम अच्छा समाज बनाना चाहते हैं। अब जिंदगी में हमेशा एक चल के चले कि जो भी दुनिया में घटनाक्रम हो रहे हैं, प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन व्हाई इज टेकिंग प्लेस। जब तक व्हाई आप नहीं करोगे, आप सही जवाब नहीं ढूंढ पाओगे। मैं समझता हूं जो ये खेती तोड़कर तोड़कर खेती की ये बच्चे हमारे हैं, आप मैं आज भी कहना चाहता हूं, आप उस इलाके से आते हैं, उस इलाके में इट इज दी मोस्ट लीडिंग एरिया इन दी होल ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ आपको प्रेस करने के लिए कह रहा हूं, मैं हकीकत सच्चाई में बताना चाहता हूं। जो हिमाचल प्रदेश में जो ये परिवर्तन आया है, शिक्षा में आया है, अर्थव्यवस्था में आया है, आपके फोर फादर हैव बीन लीडर्स इन हिमाचल प्रदेश, और इसलिए आज बेहतर हिमाचल प्रदेश हम बना पाया। हम टॉर्च बेरर है पूरे हिमाचल प्रदेश के, उस टॉर्च बेरर होने के नाते उस टॉर्च को जलने दो, उसमें साफ को चलते रहने दो, वही एक उजाला पूरे हिमाचल प्रदेश में लाएगा। आपके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और मैं समझता हूं उस जिम्मेवारी को मिलजुल कर आप सब जिम्मेवारी को आगे ले जाएंगे। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। समाप्त करने से पहले हम उस क्राइसिस से आज गुजर रहे हैं। आपको शायद बहुत लोगों को जो अर्थशास्त्र के छात्र हैं उस बात को जानते हैं, ये क्राइसिस 1929 का क्राइसिस है। उस क्राइसिस से टीम्स ने बाहर निकला, रिस्ट्रक्चरिंग की टीम्स। किसकी रिस्ट्रक्चरिंग की? जो पार्ट ऑफ डेवलपमेंट था उसकी रिस्ट्रक्चरिंग, उस क्राइसिस से बाहर निकाला। आज का क्राइसिस 2007 में आया, लेकिन उस क्राइसिस का अभी दुनिया के अंदर कोई दार्शनिक पैदा नहीं हुआ जो क्राइसिस से बाहर निकाल सकता था, और इसलिए वो संकट बहुत खौफनाक संकट, वो संकट ऐसा संकट है अगर उसे हम बाहर नहीं निकल पाएंगे तो आप समझ रहे हैं इस दुनिया के अंदर जो आम आवाम की पीड़ा है वो बढ़ेगी। अमीर अमीर होगा, गरीब गरीब होगा, ये लॉ ऑफ कैपिटलिज्म है। जैसे जैसे उसका विकास होता है इट्स टेंड टू सेंट्रलाइज और कॉन्सेंट्रेट, और वो बड़े पैमाने पर एक पावर्टी को पैदा करता है। मैं समझता हूं जब आपने बड़े बड़े जवाब यहां इस मंच पर दे दिए, आने वाली पीढ़ी उसका भी जवाब देगी और एक ऐसे समाज को पैदा करेगी जिस समाज की कल्पना हमारे शहीद आजम भगत सिंह वर्गों के साथी थे, जो उन्होंने कहा था कि एक ऐसा हिंदुस्तान हम पैदा करना चाहेंगे जिस हिंदुस्तान के अंदर वो जो पूरी विकास का रास्ता सामने रहेगा, जिस हिंदुस्तान के अंदर कोई पीड़ित नहीं होगा। महात्मा गांधी कहते थे एक ऐसा भारत देखना चाहता हूं जिस भारत के अंदर किसी मां के आंख में आंसू की टपक नहीं होनी चाहिए। ऐसे भारत के निर्माण के लिए मैं समझता हूं अभी भी जो रास्ता है वो पूरा बना नहीं है। इस रास्ते को बनाने के लिए आप आगे आएंगे, कुर्बानी देंगे। अच्छा भारत हम बनाना चाहते हैं, अच्छा हिमाचल बनाना चाहते हैं, अच्छा टोटल खनेटी बनाना चाहते हैं, और अगर हम बनाना चाहते हैं तो उस राह को चलते हुए एक अच्छा आने वाले कल का हम भारत बनाए। और इसलिए मैं मेरे लिए आदर्श उस राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में वो सारे लोग हैं जिन्होंने बड़ी कुर्बानी देकर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए और इस देश को आजाद किया। ऐसा
मैं आपसे उम्मीद करता हूं उसी राह पर आप चले और एक अच्छा हिमाचल और भारत आने वाले समय में बनाए। ज्यादा ना कहता हुआ, मैंने रामपुर में भी यही नारा दिया, मेरे लिए वो प्रिय है, मेरे लिए वो आदर्श है भगत सिंह। उस समय भी आखिरी समय जब उनको फांसी लगनी थी, जेलर ने कहा भगत सिंह समय आ गया। भगत सिंह ने कहा ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी के साथ बात कर रहा है। He knew his death was there. उनको पता था कुछ क्षण के लिए अब है, लेकिन क्यों, जैसे मैंने कहा कि ही एवरी टाइम इन लाइफ, ये क्यों हुआ, वो आखिरी सांस तक आदमी सीखना चाहता है। और इसलिए आप भी उसे हाँ पर चलते हुए उस नारे को देना चाहूंगा, नारा इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि आज भी वो नारा रेलेवेंट है। और मैं आपसे बधाई मांगता हूं, इनकलाब जिंदाबाद इस नारे